गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन मेंटोर पे। लास्ट क्लास में आपको पता होगा हमने इंटरनेट चैप्टर कंप्लीट किया था और कुछ एब्रीवेशंस भी देखे थे, और आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसके लिए आप बहुत फोर्स भी कर रहे थे, दैट इज़ एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस का चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे। एमएस ऑफिस के जो क्वेश्चंस हैं हमारे लिए, वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम समझने की कोशिश भी करें और उससे रिलेटेड डेटा को जानने की कोशिश भी करें। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, एमएस ऑफिस जो हमारे पास में है उसको बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट का एक पर्सनल सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी इसको कहते हैं। क्या क्या हम एमएस ऑफिस को कह सकते हैं जो एग्जाम में वो बोल सकता है, दिस इज अ प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, ये एक प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर है पहली बात, या फिर आप इसको एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी कह सकते हो, ठीक है। तो या तो ये प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर भी कहला सकता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी इसको हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक नाम और है जो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आएगा, मैं तब आपको वहाँ समझाऊंगा कि ये इसको इस नाम से भी क्यों बुलाते हैं, ठीक है। एमएस ऑफिस के क्या क्या पार्ट्स हैं, तो देखिए अगर मैं एमएस ऑफिस के पार्ट्स की बात करूँ तो आपको ज़्यादातर लोगों को तीन चीज़ें तो बिल्कुल डेफिनेटली पता होंगी कि ये चीज़ें एमएस ऑफिस में आती हैं। सबसे पहले एमएस ऑफिस में आपको ये पता होगा कि वर्ड आता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है, ठीक है, जिसका दूसरा नाम होता है वर्ड प्रोसेसर, ये वर्ड प्रोसेसिंग भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो वर्ड प्रोसेसर भी इसको हम बोलते हैं, अगर कहीं पे लिखा आ जाए कि वर्ड प्रोसेसिंग माइक्रोसॉफ्ट का किस तरीके का सॉफ्टवेयर है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। क्या है ये? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सेकंड, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जिसको हम कहते हैं पीपीटी, वो कहां बनती है? पावर पॉइंट में बनती है। वो कहां बनेगी? पावर पॉइंट में क्रिएट की जाएगी, ठीक है। क्या बनती है यहां? पीपीटीज बनती हैं, बताऊंगा मैं आपको पीपीटी क्या होती है। थर्ड, जितना भी डॉक्यूमेंट न्यूमेरिकल वैल्यू से रिलेटेड होता है, ऐसा डेटा जो न्यूमेरिकल वैल्यू से रिलेटेड हो, जहां हमें एक टेबल क्रिएट करनी हो, जहां हमें रिकॉर्ड अपने पास सेव रखने हो, वो सारा काम कहां होता है? वो सारा काम होता है एक्सेल के अंदर, एमएस एक्सेल के अंदर, ठीक है। एक होता है हमारे पास में आउटलुक। आउटलुक का काम क्या होता है? आपके पीसी के अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि जब भी आपके पास कभी ईमेल आएगा या आपको किसी को ईमेल करना होगा तो वो डायरेक्टली आप आउटलुक में जाकर के ये प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। और एक आपके पास होता है वन नोट, पीडीएफ क्रिएट करने के काम में आता है वन नोट। जब भी आप पीडीएफ बनाते हैं तो उस पीडीएफ के अंदर जो भी काम करते हैं वो वन नोट के अंदर आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे की सारे जो सेक्शन हैं, जो पार्ट हैं, ये किसके हैं? एमएस ऑफिस के। ये इंडिविजुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा भी बहुत सारे बिजनेस मॉड्यूल्स होते हैं एमएस ऑफिस के, लेकिन वो हमारे इतने काम के नहीं है। और बेसिकली यहाँ पे भी हमारे पास केवल काम की तीन चीजें हैं, एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड। वर्ड के अंदर आप वर्ड प्रोसेसिंग मतलब डेटा एडिटिंग कर सकते हैं, डाटा एडिटिंग आप यहां कर सकते हैं। एग्जामिनर अगर पूछना चाहेगा तो डॉक्यूमेंट एमएस ऑफिस के किस पोर्शन में बनाए जाते हैं, तो डॉक्यूमेंट कहां बनाए जाते हैं? वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। तो स्लाइड्स कहां बनाई जाती हैं? किसी भी डेटा को शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन करने के लिए स्लाइड्स कहाँ पे क्रिएट की जाती हैं? तो स्लाइड्स किसी भी डेटा को शॉर्ट फॉर्म में या किसी भी डॉक्यूमेंट को शॉर्ट फॉर्म में क्लियर करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए जो स्लाइड्स बनाई जाती हैं वो पावर पॉइंट के अंदर बनाई जाती हैं, ठीक है। डेटा के रिकॉर्ड कहाँ रखे जाते हैं? तो डाटा का जो रिकॉर्ड होता है वो रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है किसके अंदर? वो मेंटेन किया जाता है एक्सेल के अंदर, ठीक है। और यहाँ क्या बनती हैं? यहाँ वर्कशीट बनाई जाती हैं, ठीक है, यहाँ वर्क बेस बनाए जाते हैं, वर्कशीट बनाई जाती हैं, वर्कशीट, यहाँ क्या बनाई जाती हैं? वर्कशीट बनाई जाती हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको मेरे हिसाब से बात क्लियर हो गई होगी। फंडामेंटल मैंने आपको बता दिया है कि एमएस ऑफिस में क्या क्या आता है और क्या क्या उसको एक्सप्लेन करता है।
इसके अलावा जो भी चीज़ें हमारे पास आएंगी उन्हें हम वन बाय वन यहाँ पे अपने क्वेश्चंस के अंदर देखते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन। कौन कौन से क्वेश्चन हमारे पास में यहाँ इंपॉर्टेंट हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हम देखते हैं। इससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात, आप सभी लोगों को यहाँ पता होगा कि हमारे पास में जो टाइम है अब केवल 3 दिन का बचा है, तो जितने भी टॉपिक हम कवर करेंगे वो सब क्वेश्चन की फॉर्म में ही कवर करेंगे, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि सॉफ्टवेयर आपका 2 या 3 क्लासेस में मैक्सिमम, सॉरी आपका एमएस ऑफिस हम 2 या 3 क्लासेस में कंप्लीट करा सकें, और इसके बाद जो 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास बचेंगे दैट इज सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्किंग, मैं ये दोनों टॉपिक आपके लिए लेके आऊँगा अगली क्लासेस के अंदर, जैसे ही हमारे पास एमएस ऑफिस की ये क्लास कंप्लीट होती है, ठीक है। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर वन पे आते हैं, क्या कह रहा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन। जब तक मैं रब कर रहा हूँ हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है यू कैन यूज डैश टू कॉपी सेलेक्टेड टेक्स्ट, किसी भी सेलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कौन सा कमांड इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरा वो बोल रहा है एंड टू पेस्ट इट इन अ डॉक्यूमेंट, और किसी डॉक्यूमेंट में उसको पेस्ट करने के लिए कौन सा कमांड यूज लिया जाता है। मेरे हिसाब से ये मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये दोनों ही कमांड बहुत ही ईजी हैं, ठीक है। तो किसी भी डॉक्यूमेंट को कहीं पे कॉपी, कहीं से कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी का यूज़ किया जाता है, और कहीं जाकर के पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी का इस्तेमाल किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके अलावा भी बहुत सारे कमांड्स हैं, जैसे उसको प्रिंट कराने के लिए कंट्रोल पी का इस्तेमाल किया जाता है, और उसको सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए का इस्तेमाल किया जाता है, और उसको सेव करने के लिए कंट्रोल एस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जैसे जैसे मिलेगा हमें हम करते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नंबर्स इन टेबल कॉलम आर यूजुअली, ठीक है, जो ये यूजुअली कर लेना, नंबर्स इन टेबल कॉलम जो होती है, टेबल कॉलम के अंदर जो नंबर्स होते हैं आर यूजुअली, वो नंबर्स कैसे अलाइंड होते हैं, तो टेबल कॉलम के अंदर जो नंबर्स होते हैं वो राइट अलाइंड होते हैं। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं एमएस एक्सेल के अंदर। किसके अंदर? एमएस एक्सेल के अंदर। जब भी आप सेल के अंदर, एमएस एक्सेल में सेल्स बनी होती हैं, वो डब्बे बॉक्स से बने हुए देखे हैं आपने, वो जो बॉक्स होते हैं उनको सेल कहते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर्स इन टेबल कॉलम आर यूजुअली राइट अलाइन, जब भी आप उस सेल के अंदर कुछ लिखेंगे नंबर की फॉर्म में तो वो ऑटोमेटिकली उस बॉक्स के राइट में अलाइन हो जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, ईच बॉक्स इन ए स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट क्या होती है? स्प्रेडशीट होती है, जैसे ही आप एक्सेल ओपन करोगे वैसे ही आपके सामने नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स का एक पूरा सेट दिखाई देगा, उस पूरे सेट को स्प्रेडशीट कहा जाता है, जहाँ पे डेटा को एंटर किया जाता है, जहाँ पे रिकॉर्ड और फील्ड्स बनाई जाती हैं, ठीक है। ईच बॉक्स इन अ स्प्रेडशीट इज कॉल्ड अ, ईच बॉक्स इन अ स्प्रेडशीट इज कॉल्ड अ सेल, उसको हम क्या बोलते हैं? ईच बॉक्स इन अ स्प्रेडशीट इज कॉल्ड अ सेल, ठीक है। हमने क्या बात करी? सेल जो होता है। अच्छा, एक और चीज यहां मैं आपको बता देता हूं, जब सेल जो होते हैं, जब वो सेल्स बहुत सारे सेल मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? फील्ड बनाते हैं, या पहले वो टेबल बनाते हैं। टेबल बना ली, ठीक है। टेबल बनाने के बाद वो क्या बनाते हैं? रिकॉर्ड बनाते हैं, ठीक है, फील्ड बनाते हैं, और उसके बाद वो डेटाबेस का निर्माण करते हैं, डेटाबेस बनाते हैं, ठीक है। तो सेल से आप टेबल बनाते हो, देखो जैसे कोई एक सेल है तो 4-5 सेल मिल गई इस तरीके से आपके पास में, तो एक टेबल बन गई, ठीक है। अब टेबल बन गई 4 सेल मिलकर के, यहाँ पे हमने कोई रिकॉर्ड मेंटेन कर लिया, ठीक है, किसी का डेटा एंटर कर लिया हमने इस टेबल के अंदर, तो ये क्या बन गया? उसका रिकॉर्ड बन गया, ठीक है। रिकॉर्ड के बाद क्या हुआ? फील्ड्स बनी हमारे पास अलग अलग, कि भैया ये डेटा बता रहा है, ये इस डेटा को बता रहा है, ये इस डेटा को बता रहा है, ठीक है। और बहुत सारी फील्ड्स मिलके क्या बनेंगी, ये हमें अगले क्वेश्चन में दिखाई देने वाला है। ये देखो, ये रहा अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स इट्स कॉल्ड, रिलेटेड फील्ड्स जो होती हैं उसके कलेक्शन को क्या कहा जाता है? तो उसे डेटाबेस कहा जाता है। अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स इज कॉल्ड डेटाबेस। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले स्प्रेडशीट के अंदर सेल होता है, ठीक है, सेल से टेबल बनती है, टेबल से रिकॉर्ड बनते हैं, ठीक है, फील्ड बनती है, डेटाबेस बनता है। यहां तक मेरे हिसाब से क्लियर होगा सबको। चलिए फिर आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन अ फाइल इज सेव फॉर फर्स्ट टाइम, जब हम पहली बार किसी फाइल को सेव करते हैं, व्हेन अ फाइल इज सेव्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, तो क्या होगा? क्या मतलब कहना चाह रहा है? अ कॉपी इज ऑटोमेटिकली प्रिंट, ये गलत है,
ठीक है, अपने आप कभी भी प्रिंट नहीं होती है। फाइल नेम एंड फोल्डर नेम मस्ट बी सेम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, चेंज हो सकता है। इट डज नॉट नीड अ नेम, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बिना नेम के आपकी फाइल सेव ही नहीं होगी। नेक्स्ट अगर हम आए तो नेक्स्ट हमारे पास में हो जाएगा कि इट ओनली नीड अ नेम इफ इट इज नॉट गोइंग टू बी प्रिंट, ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, अगर वो प्रिंट नहीं हो रहा है तो उसको नेम की जरूरत है, ऐसा कुछ कंडीशन नहीं होती। इट मस्ट बी गिवन अ नेम टू आइडेंटिफाई इट, बिल्कुल सही बात है, यदि हमें उसे आइडेंटिफाई करना है तो हमें उसे नेम देना पड़ेगा, और आइडेंटिफाई जब तक कंप्यूटर नहीं करेगा उसे, जब तक कि आप उसको नेम नहीं दोगे। और ये बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप किसी को नाम देते हो, जैसे मैंने किसी फाइल को नाम दिया तो उस नाम के आगे डॉट लगा रहता है, और डॉट के बाद जो लिखा रहता है वो क्या बताता है, एड्रेस बताता है इस फाइल का, एड्रेस बताता है किसका, इस फाइल का एड्रेस आपको बताता है कि ये फाइल कहाँ जाके सेव हुई है। तो जब भी आप इस फाइल को ओपन करोगे तो कंप्यूटर इस एड्रेस को उठाएगा और उस नाम को उठाएगा, और उस एड्रेस पे जाके उस नाम को आपके सामने दिखा देगा, शो कर देगा मॉनिटर पे। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच ग्रुप डू वी वर्क एट अ सेम टाइम एट अ टाइम ऑफ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इन अ वर्ड, जब वर्ड के अंदर हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर रहे होते हैं, उसमें चेंज कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, उसके अंदर कुछ एडिट कर रहे होते हैं, तो जब फॉर्मेटिंग कर रहे होते हैं हम वर्ड की, तो इन विच ग्रुप डू वी वर्क, हम किस ग्रुप पे वर्क करते हैं, तो ऐसी सिचुएशंस में हम टेबल, पैराग्राफ और इंडेक्स, इन चीजों पे वर्क करते हैं। किस पे वर्क करते हैं, टेबल, पैराग्राफ और इंडेक्स। क्या पूछा है, मैं फिर से बता देता हूं, इन विच ग्रुप डू वी वर्क एट अ टाइम ऑफ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इन अ वर्ड, जब भी हम वर्ड के अंदर टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर रहे होते हैं तो हम उसमें क्या क्या चीजों पे चेंजेस करते हैं, टेबल में करते हैं, पैराग्राफ में करते हैं और इंडेक्सेस में करते हैं, और किसी चीज में नहीं करते। सेक्शंस कुछ होता नहीं है, ठीक है, कैरेक्टर्स नहीं होते हैं। ठीक है, आगे चलें तो नेक्स्ट हमारे पास में है, अच्छा इसका ऑर्डर यहाँ पे देख रहे हो गया आप, पहले टेबल है, पैराग्राफ है और इंडेक्सेस है, कैरेक्टर्स नहीं आएगा तो ये गलत हो गया। ठीक है, सेक्टर नहीं आएगा तो ये, सेक्शन नहीं आएगा तो ये गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अ लेटर एंड नंबर ऑफ अ सेक्शन ऑफ इंटरसेक्टिंग कॉलम एंड रो इज, ठीक है, आपने देखा होगा जब एक्सेल के अंदर आप कोई भी शीट देखते हो, एक्सेल के अंदर जो भी आप स्प्रेडशीट देखते हो, तो स्प्रेडशीट के अंदर यहां तो नंबरिंग्स लिखी रहती हैं और यहां पे अल्फाबेट लिखे रहते हैं, देखा होगा आपने। ठीक है, और इन्हीं से मिलकर के आपके सेल बनते हैं, ये जो सेल आपको यहां दिखाई देते हैं ना, ये इन्हीं से मिलकर के बनते हैं। तो अब उसने बस आपसे यही पूछा है, क्या पूछा है उसने, द लेटर एंड नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग कॉलम एंड रो इज अ, मतलब कॉलम और रो को इंटरसेक्ट करने वाला, जैसे मैंने ये रो ले ली, इसको क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे, तो कॉलम और रो को, मतलब इस सेल का जब मैं एड्रेस देखूंगा तो क्या होगा, इसका होगा ए, ठीक है, ए वन होगा इसका एड्रेस। तो द लेटर एंड नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग कॉलम एंड रो इज अ सेल एड्रेस, वो क्या बताएगा, हमेशा सेल एड्रेस बताएगा कि 1A पे कौन बैठा है, ये वाला सेल बैठा है, 2B पे कौन बैठा है, तो ये वाला सेल बैठा है। ठीक है, तो ये क्या बताता है, सेल एड्रेस। आगे चलते हैं, टू सेव एन एग्जिस्टिंग फाइल विद अ न्यू नेम एट न्यू लोकेशन वी शुड यूज, किस किस कमांड का इस्तेमाल करना होता है एग्जिस्टिंग फाइल को नई लोकेशन पे सेव करने के लिए नए नाम से, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है सेव एज का, मतलब सेव की हुई चीज को दोबारा से सेव करना, उसको सेव एज से सेव करते हैं हम, चाहे फिर आपको नई लोकेशन पे करना हो, चाहे सेम लोकेशन पे नए नाम से करना हो। यहां तक क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फॉर्म्स दैट आर यूज टू ऑर्गेनाइज बिजनेस डेटा इंटू रोज एंड कॉलम आर कॉल्ड, ठीक है, फॉर्म्स जो हम बनाते हैं जो बिजनेस डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए बनता है, ठीक है, और किस फॉर्म में बनता है, रो और कॉलम की फॉर्म में, तो उसको क्या कहते हैं हम, उसको हम कहते हैं स्प्रेड शीट्स, क्या कहते हैं उसको हम, स्प्रेड शीट्स उसको हम कहते हैं। यहां तक मेरे हिसाब से बात क्लियर होगी, अभी अभी बताया स्प्रेड शीट क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन पावर पॉइंट द हेडर एंड फुटर बटन कैन बी फाउंड ऑन द इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब के अंदर हेडर और फुटर मिलता है, इन व्हाट ग्रुप, लेकिन किस ग्रुप के अंदर मिलता है, इंसर्ट टैब के अंदर तो मिलता है हमें, लेकिन किस ग्रुप के अंदर मिलता है,
तो एक टेक्स्ट ग्रुप होता है जिसके अंदर जाकर के आपको हेडर और फुटर वाला पोर्शन दिखाई देता है, ठीक है। ये सेक्शन होता है टेक्स्ट ग्रुप जिसके अंदर हेडर और फुटर होता है। नेक्स्ट आते हैं हम द पीसी प्रोडक्टिविटी टूल। अभी बताया ना पीसी के प्रोडक्टिविटी टूल कौन है, अभी बात हुई थी हमारी एमएस ऑफिस, ठीक है। द पीसी प्रोडक्टिविटी टूल दैट मैनिपुलेट्स डेटा ऑर्गेनाइज इन रो एंड कॉलम। जब भी रो और कॉलम की बात आ जाए इसका मतलब वो डायरेक्टली किसकी बात कर रहा है, स्प्रेडशीट्स की बात कर रहा है, एक्सेल की बात कर रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच पावर पॉइंट व्यू डिस्प्लेज ईच स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन एज अ थंबनेल, ठीक है, एंड इज यूजफुल फॉर रीअरेंजिंग स्लाइड्स। आपको पता है ये किसकी बात कर रहा है, पावर पॉइंट की। जब भी आप पावर पॉइंट का नया पेज ओपन करोगे ना तो एक सिंपल पेज नहीं होगा, वो कुछ इस तरीके से ओपन होता है। एक पेज होगा यहाँ पे, उस पेज के कुछ सेक्शंस होंगे। यहाँ पे ऊपर तो सारे के सारे अलग अलग तरह के फॉर्मूला बार और ये सब होता है, इतने से फॉर्म में फॉर्मूला बार होता है, बाकी सब जगह फाइल इंसर्ट ये सब होता है। यहाँ पे एक सेक्शन होता है जो स्लाइड्स दिखाता है कि आपने कितनी स्लाइड्स बना ली या कौन कौन सी स्लाइड्स आप बनाना चाहते हो, तो तीन चार स्लाइड्स यहाँ आते हैं, बाकी आप स्क्रॉल करके नीचे ले जा सकते हो। यहाँ एक सेक्शन आता है जिसमें आप कोई सी भी एक स्लाइड देख सकते हो, जैसे सपोज यहाँ वन लिखा है तो अभी आप वन नंबर की स्लाइड देख रहे हैं। देखो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है विच पावर पॉइंट व्यू डिस्प्ले ईच स्लाइड ऑफ दी प्रेजेंटेशन एज अ थंबनेल। ये जो होता है ना थंबनेल क्या होता है, छोटी फॉर्म में किसी भी स्लाइड्स को देखना। तो यहाँ पे आपको सारी स्लाइड दिख जाएंगी छोटी फॉर्म में जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो। एंड इज यूज फॉर रीअरेंजिंग स्लाइड, और उसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, स्लाइड को रीअरेंज करने के लिए कि भैया ये वाली जो स्लाइड है दो नंबर की हो मुझे एक नंबर पे चाहिए और एक नंबर की स्लाइड मुझे दो नंबर पे चाहिए। तो वो चीज कहाँ से कर सकते हैं हम, स्लाइड सॉर्टर से कर सकते हैं। सॉर्ट मतलब अरेंज करना, तो स्लाइड सॉर्टर पे जाकर के हम ये काम कर सकते हैं जो क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। और इस तरीके का पेज आपको दिखाई देगा पावर पॉइंट के अंदर। नेक्स्ट, इफ अ प्रीवियसली सेव्ड फाइल इज एडिटेड, तो अगर प्रीवियसली सेव फाइल को आपने एडिट किया है तो अब क्या करना पड़ेगा। यदि प्रीवियसली सेव्ड फाइल को आपने एडिट किया है तो अब आपको उस फाइल को दोबारा से सेव करना पड़ेगा, उसको स्टोर करने के लिए, उसमें जो भी आपने बदलाव और चेंजेस किए हैं उनको स्टोर करने के लिए उस फाइल को दोबारा से हमें सेव करना पड़ेगा। द फाइल मस्ट बी सेव्ड अगेन टू स्टोर द चेंजेस, ठीक है। देखा इट कैन नॉट बी चेंज अगेन, बिल्कुल गलत। टू चेंज द चेंज विल ऑटोमेटिक, ऐसा कभी नहीं होता। द फाइल विल ओनली हैव टू बी सेव्ड अगेन इफ इट इज मोर देन वन पेज, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप एक लेटर भी लिखोगे ना तो भी चेंज करना पड़ेगा आपको, सेव करने के लिए, चेंज करने के लिए सेव करना पड़ेगा, ठीक है। इट नेम मस्ट बी चेंज, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेम नाम की फाइल को भी आप दोबारा एडिट कर सकते हैं उसके कंटेंट को, ठीक है। आगे आते हैं, लिखा हुआ है टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट। किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट द प्रिंट कमांड एंड देन सेलेक्ट ओके, ठीक है। क्योंकि रेडी प्रिंट कमांड नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। और टाइप प्रिंट तो ऐसा कुछ हम करते नहीं है, और डॉक्यूमेंट क्लोज कर दिया तो आप उसको प्रिंट नहीं कर सकते। तो सेलेक्ट द प्रिंट कमांड एंड देन सेलेक्ट ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑप्शन इज करेक्ट टू एंटर द चार्ट इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल के अंदर यदि आपको किसी चार्ट को इंसर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो उस कंडीशन में आपको इंसर्ट मेन्यू में जाके चार्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। किसकी बात कर रहे हैं ये हम, एमएस एक्सेल की। एमएस एक्सेल में यदि चार्ट अगर आपको बनाना है या फिर एंटर करना है तो इंसर्ट मेन्यू में जाके चार्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। ये आप करके देखना अपनी तरफ से एक बार, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डैश इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सेव इन अ यूनिट। जब बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक यूनिट में सेव हो जाती है काम करने के बाद तो उसको क्या कहते हैं, फाइल कहा जाता है। फाइल क्या होती है, जब बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक यूनिट की फॉर्म में कलेक्ट होती है तो उसको फाइल कहते हैं। फाइल को किसके अंदर रख सकते हैं, फोल्डर के अंदर रख सकते हैं, और हर फाइल का एक फाइल एक्सटेंशन होता है जो क्या बताता है, एड्रेस बताता है। और उस एड्रेस से उस पाथ से होते हुए कंप्यूटर क्या करता है, हमें वो फाइल दोबारा देता है, हम रिट्रीव कर सकते हैं उसी पाथ के द्वारा फाइल को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज अ लिस्ट ऑफ डेटा फाइल्स फॉर ऑफ एनी डेटाबेस कॉल्ड। डेटा फाइल के जो डेटाबेस को क्या कहा,
बहुत सारी डेटा फाइल्स हैं, उसके पूरे डेटाबेस को हम क्या कहते हैं, तो उसके पूरे डेटाबेस को हम डेटा डिक्शनरी कहते हैं। डेटा डिक्शनरी में डेटा फाइल्स का पूरा एक डेटाबेस बना होता है। ठीक है, व्हाट इज द लिस्ट ऑफ डेटा फाइल्स ऑफ एनी डेटाबेस कॉल्ड, उसको डेटा डिक्शनरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द ओवरऑल टर्म फॉर क्रिएटिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, स्टोरिंग, रिट्रीविंग एंड प्रिंटिंग अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात आ गई, मतलब वर्ड की बात होगी कहीं ना कहीं। तो अगर हमें किसी भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना है या उसे एडिट करना है, मतलब उसमें चेंज करना है, फॉर्मेट करना है मतलब उसके फॉर्मेट में कुछ चेंजेस करने हैं, उसको स्टोर करना है मतलब सेव करना है, रिट्रीव करना है मतलब वापस कंप्यूटर के थ्रू मॉनिटर पे लेके आना है, या फिर प्रिंट करना है, उसकी हार्ड कॉपी निकालनी है, तो हमें ये काम हम किसके अंदर कर सकते हैं? तो ये काम सिंपली है हम किसके अंदर करेंगे, वर्ड प्रोसेसिंग, जिसको हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी कहते हैं। ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से बात क्लियर हो गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द मेन फोल्डर टू ऑन द स्टोरेज डिवाइस कॉल्ड। देखो, स्टोरेज डिवाइस जो हमारी होती है वो सेकेंडरी मेमोरी होती है, तो स्टोरेज डिवाइस के अंदर जो मेन फोल्डर होता है उसे क्या कहते हैं, जहां पे सारे की सारे फोल्डर्स, फाइल्स, जितनी भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो सब जाते हैं, उसको कहते हैं रूट डायरेक्टरी। क्या बोलते हैं? रूट डायरेक्टरी। तो स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहा जाता है? रूट डायरेक्टरी कहा जाता है। यहां तक मेरे हिसाब से आप सभी को बात क्लियर होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ फाइल इज ऑफन रेफर्ड टू एज अ, फाइल इज ऑफन, ऑफन मतलब ज्यादातर, ज्यादातर फाइल को किसकी फॉर्म में रखा जाता है? तो डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में, मतलब डॉक्यूमेंट्स किसकी फॉर्म में रहते हैं? फाइल की फॉर्म में। जब भी ज्यादातर फाइल हम देखेंगे तो किसकी होंगी? डॉक्यूमेंट्स की होंगी। ठीक है, तो अ फाइल इज ऑफन रेफर्ड टू एज अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? एक्सेल वर्कबुक। ठीक है, देखो, वर्कशीट से मिलकर के वर्कबुक बनती है, तो एक्सेल वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट। ये लो आंसर मिल गया। तो एक्सेल वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट, वर्कशीट जो होती है हमारे पास में, उनसे मिलके वर्कबुक तैयार होती है। एक एक शीट जिस पे हमने काम किया होता है, उनके कंप्लीट बंच को, कलेक्शन को वर्कबुक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अभी मैंने ऊपर आपको इसके दो नाम बताए थे और तीसरा नाम अब आ गया। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किस चीज का एग्जाम्पल है? क्या ये एक क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है? बिल्कुल नहीं। क्लोज सोर्स वो होते हैं जिनमें हम कोई बदलाव नहीं कर सकते, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट का, जितने भी माइक्रोसॉफ्ट अपने ऑपरेटिंग सिस्टम निकालता है, वो सब क्लोज सोर्स होते हैं। उन ऑपरेटिंग सिस्टम में हम कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकते। ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी नहीं है, क्योंकि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनमें हम छेड़खानी कर सकते हैं, उन सॉफ्टवेयर के अंदर छेड़खानी कर सकते हैं। और क्यों नहीं है? क्योंकि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होते हैं, ये लिनक्स को हम बोल सकते हैं, लिनक्स जो कि एक आपके पास में ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको हम ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें इंटरनेट पे बैठा कोई भी व्यक्ति एडिट करके, एक नया कोड लिख करके इसके अंदर चेंजेस कर सकता है। थर्ड, हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर। हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये मैं आपको बता देता हूं। हॉरिजॉन्टल मार्केट वो मार्केट होता है, एक्सक्यूज मी, हॉरिजॉन्टल मार्केट वो मार्केट होता है जो बहुत लार्ज फॉर्म में या फिर एनलार्ज फॉर्म में हमारे सामने रहते हैं। जैसे जितनी भी इंडस्ट्रीज होती है, बैंकिंग इंडस्ट्री हो गई, आईटी इंडस्ट्री हो गई, या फिर जितनी भी अलग अलग इंडस्ट्री होती हैं जहाँ पे कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मार्केट, क्योंकि वो बहुत वास्ट मार्केट होता है। ठीक है, तो बहुत वास्ट मार्केट होने की वजह से उसको हॉरिजॉन्टल मार्केट कहा जाता है। तो उसने क्या कहा? एमएस ऑफिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर। क्यों? क्योंकि ज्यादातर इंडस्ट्रीज के अंदर, ज्यादातर मार्केट के अंदर, ज्यादातर कंपनीज के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का यूज किया जाता है, इसलिए दैट इज अ हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर। ठीक है, और वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर या वर्टिकल मार्केट वो मार्केट होता है जो बहुत लिमिटेड मार्केट होता है, जो ज्यादा जगह इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, ऐसा मार्केट जो ज्यादा फैला हुआ ना हो, कम फैला हुआ हो, उसको हम वर्टिकल मार्केट बोलते हैं। और ऐसा सॉफ्टवेयर जो केवल उन लिमिटेड फील्ड्स में काम करे, उनको वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो यहां पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एग्जांपल क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू टेक्स्ट फॉर्मेटिंग. टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कहां होती है? वर्ड के अंदर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होती है. और इनमें से कौन उससे रिलेटेड नहीं है? तो देखो, लाइन स्पेसिंग भी होती है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में. लाइन स्पेसिंग मतलब दो लाइन्स के बीच में यदि मुझे स्पेसिंग बढ़ानी है घटानी है, दैट इज कॉल्ड लाइन स्पेसिंग. टेक्स्ट स्पेसिंग क्या होती है? टेक्स्ट के बीच में मतलब दो वर्ड्स के बीच में यदि मुझे स्पेसिंग बढ़ानी है घटानी है, उसको मैं क्या बोलूंगा? टेक्स्ट स्पेसिंग. और मार्जिनल चेंज क्या होता है? मार्जिन चेंज होता है कि यदि आप चाहते हैं कि आपका जो पेज है उसके बीच का जो कंटेंट है वो चारों बॉर्डर से इतनी इतनी डिस्टेंस पे हो, या फुटर और उसमें हेडर लगा हो, तो उसको मार्जिन चेंज कहा जाता है. यहां तक मेरे हिसाब से बात क्लियर हो गई होगी. तो ये तीनों होते हैं, तो कौन नहीं होता? सर्चिंग नहीं होती है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंदर. क्या नहीं होती है? सर्चिंग नहीं होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. टू करेक्ट द स्पेलिंग इन एमएस ऑफिस वी यूज, किसका यूज करते हैं? स्पेल चेक का. सिंपल सा क्वेश्चन है. अगले क्वेश्चन पे आते हैं. इन अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम द डैश कंटेन्स रिलेटेड वर्कशीट एंड डॉक्यूमेंट. कौन रखता है वर्कशीट्स और डॉक्यूमेंट्स? वो रखता है वर्कबुक. वर्कबुक के अंदर वर्कशीट भी रहती है, अभी कुछ टाइम पहले हमने देखा था, और उसमें डॉक्यूमेंट्स भी रहते हैं. ठीक है, तो इन अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम द वर्कबुक कंटेन्स रिलेटेड वर्कशीट्स एंड डॉक्यूमेंट. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर परफॉर्मिंग न्यूमेरिकल एंड स्टैटिक कैलकुलेशन. तो न्यूमेरिकल और स्टैटिक कैलकुलेशन कहां पे परफॉर्म की जाती है, मैं आपको बता चुका हूं. वो केवल और केवल एक्सेल में परफॉर्म की जाती है, और एक्सेल में क्या रहती है? स्प्रेडशीट्स रहती है. देखो, ये एक अच्छा क्वेश्चन है. वर्ड रैप क्या होता है? तो वर्ड रैप होता है जब भी आप किसी वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर जो आपका टेक्स्ट है उसे सेंट्राइड कर देते हैं, या फिर ऐसा कर देते हैं कि वो इसी फॉर्मेट में लिखा जाए कि उसकी एंडिंग और स्टार्टिंग दोनों के जो फर्स्ट और लास्ट लेटर हैं वो सेम अलाइनमेंट में आए, यहीं से स्टार्ट हो और यहीं पे ख़त्म हो. तो उस कंडीशन में मुझे वर्ड रैप की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यदि फर्स्ट लाइन के अंदर कोई एक ऐसा वर्ड आ गया कि अब वो बहुत ज़्यादा बड़ा है तो मैं उसको तोड़ तो नहीं सकता, तो मैं क्या करूंगा? उस पूरे की पूरे वर्ड को नीचे शिफ्ट कर दूंगा और ऊपर की स्पेसिंग थोड़ी सी बढ़ा दूंगा ताकि मेरा ये जो अलाइनमेंट है ये बना रहे. ठीक है, तो उसके लिए क्या करूंगा मैं? तो वर्ड रैप फीचर कब होगा? जब यहां पे मैं क्या करूंगा? ऑटोमेटिकली मूव द टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन व्हेन नेसेसरी. और नेसेसरी कब होगी? जब वो जो टेक्स्ट है वो इतना बड़ा हो कि पहली वाली लाइन को दूसरी वाली लाइन से लंबा कर रहा हो, कुछ इस तरीके से कर रहा हो. बाकी सारी लाइनें ही वो चल रही हैं, लेकिन ये एक लाइन ऐसी हो गई है. तो इसको हटाने के लिए हम क्या कर देते हैं? वर्ड रैप का यूज करते हैं. ऑटोमेटिकली मूव द टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन व्हेन नेसेसरी. बात क्लियर है? चलिए आगे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैकग्राउंड ऑफ एनी वर्ड डॉक्यूमेंट. वर्ड डॉक्यूमेंट का जो बैकग्राउंड है उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं. तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो व्हाइट कलर का ही होगा, बिल्कुल नहीं. इज द कलर यू प्रेजेंट, इज द कलर यू प्री सेट अंडर द ऑप्शन मेन्यू, ऐसा भी नहीं है. इज ऑलवेज द सेम, ऐसा भी नहीं है. कैन हैव एनी कलर यू चूज, बिल्कुल सही बात है. कलर के साथ साथ आप इमेज भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं है कि केवल कलर. कलर तो कोई सा भी लगा सकते हो, आप इमेज भी लगा सकते हो. तो द बैकग्राउंड ऑफ एनी वर्ड डॉक्यूमेंट कैन हैव एनी कलर यू चूज और द इमेज. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ कह रहा है, वॉट इज अ डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन. देखो, फाइल एक्सटेंशन मैंने बताया था क्या होता है, जो एड्रेस बताता है उस फाइल का. वॉट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट. सभी वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए फाइल एक्सटेंशन होता है डॉस. ठीक है, डॉस का इस्तेमाल हम यहाँ पे किसके लिए करते हैं? फाइल एक्सटेंशन के लिए करते हैं. इसकी फुल फॉर्म भी हमने देखी थी, अगर आपको याद हो तो, होनी चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? टेक्स्ट, सॉरी, वो डॉस था, ये क्या है? डॉक. मतलब अगर हमें डॉक, डॉक का मतलब होता है डॉक्यूमेंट. डॉक का मतलब क्या होता है? डॉक्यूमेंट. ठीक है, तो जब भी हम किसी भी फाइल को वर्ड के अंदर सेव करते हैं तो वो डॉट डॉक के अंदर होता है, क्योंकि डॉक का मतलब क्या है? डॉक्यूमेंट ही है. वो हमने फर्स्ट थ्री लेटर्स ले लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टेक्स्ट इज अ कॉलम इज जनरली अलाइंड. टेक्स्ट क्या है? एक टेक्स्ट इन ए कॉलम इज जनरली अलाइंड. जो कॉलम होते हैं, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? एक्सेल शीट की बात कर रहे हैं. तो एक्सेल शीट में यदि मैं सेल के अंदर कोई भी वर्ड लिखता हूं तो वो वर्ड जनरली कहां पे अलाइंड रहता है? वो लेफ्ट अलाइंड रहता है.
जो भी मैं वर्ड लिखूंगा टेक्स्ट कॉलम के अंदर, तो वो जनरली कहाँ अलाइन रहेगा, वो लेफ्ट में अलाइन रहेगा। और जब भी वर्ड की बात की जाए, लेटर की, नंबर की बात की जाएगी, तो नंबर कहाँ अलाइन रहेगा, राइट में अलाइन रहेगा। यहां तक बात क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ डायरेक्टरी विद इन अ डायरेक्टरी, डायरेक्टरी के अंदर जो डायरेक्टरी होती है उसको क्या कहा जाता है, सब डायरेक्टरी कहा जाता है। जब किसी बड़ी चीज के अंदर कोई छोटी चीज होती है तो उसको सब फॉर्म कहते हैं, तो ऐसे ही बड़ी डायरेक्टरी के अंदर जब छोटी डायरेक्टरी होती है तो उसको सब डायरेक्टरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ अ फाइल, किसी भी फाइल को खोलने के लिए, ओपन करने के लिए और क्लोज करने के लिए एक्सेल के अंदर यू कैन यूज विच बार, हम कौन से बार का इस्तेमाल करते हैं, स्टेटस स्टैंडर्ड बार का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड फाइल बार के अंदर ही फाइल, इंसर्ट, ऐसे सारे टैब्स यूज में आते हैं। तो इंसर्ट बार का इस्तेमाल, सॉरी स्टैंडर्ड बार का इस्तेमाल करते हैं हम किसके लिए, किसी भी फाइल को एक्सेल के अंदर ओपन करने के लिए या फिर क्लोज करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यू क्लिक, किस पे क्लिक करते हैं, एट बी टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड, ये आपको पता होना चाहिए। वर्ड के अंदर आपने देखा होगा टॉप में तीन वर्ड लिखे रहते हैं, एक बी लिखा रहता है, एक आई लिखा रहता है और यू जिसके नीचे अंडरलाइन रहती है। बी जो लिखा रहता है इसका मतलब होता है बोल्ड, मतलब आप लेटर्स को क्या करना चाहते हैं, बोल्ड डार्क करना चाहते हैं। इटैलिक मतलब आप लिखे हुए लेटर को इटैलिक मतलब कुछ इस फॉर्म के अंदर टेढ़े होते हैं इस फॉर्म के अंदर लिखना चाहते हैं। और अंडरलाइन मतलब लिखी हुई चीज के नीचे आप क्या करना चाहते हैं, अंडरलाइन करना चाहते हैं। तो ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो यहां इसने क्या पूछा है, यू क्लिक एट बी टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड, क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट, किसी डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए यू यूज डैश कमांड एट फाइल मेन्यू, फाइल मेन्यू में आप कौन से कमांड का इस्तेमाल करोगे नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, तो न्यू का इस्तेमाल करोगे नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। ठीक है, या डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए। अच्छा, बने हुए डॉक्यूमेंट को फिर से स्क्रीन पे लाने के लिए ओपन का इस्तेमाल करूंगा, खुले हुए डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए क्लोज कमांड का इस्तेमाल करूंगा, और जो मैंने अभी नया डॉक्यूमेंट बनाया है उसको सेव करने के लिए सेव कमांड का इस्तेमाल करूंगा, मतलब इसके लिए क्या हो जाएगा, कंट्रोल एस। ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से सबको बात क्लियर होगी। चलिए आज के सेशन को यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इन्हीं क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम 60 से 70 क्वेश्चन कंप्लीट कर पाएं, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और हमें एमएस वर्ड पूरा कंप्लीट करना है, एमएस ऑफिस पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज उसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन मेंटोर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, हैव अ नाइस डे।